हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन योर चैनल फन गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक जोरा की केयर कैसे करते हैं, इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती हैं या इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं प्लांट में, इसकी पत्तियां क्यों पीली पड़ने लगती हैं और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसमें हम क्या डालें, क्या करें कि हमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी मिले, सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसमें आए और बहुत अट्रैक्टिव हमारा प्लांट दिखे। ओके, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को अपने प्लांट की सॉइल को दिखा देती हूँ। सॉइल, इस प्लांट का सॉइल को आप एकदम ऐसे ही रखना है, मॉइस्चर होना चाहिए और उसमें, और ज़्यादा वो मतलब गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए आपका गमला और इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे मेरे में है, देखिए पूरी मॉइस्चर सॉइल में है। और आपको इसमें कुछ और भी दिख रहा होगा, जैसे गमले में जैसे कुछ क्या क्या मैंने डाल रखा है, वो सब आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने अपने गमले में क्या क्या डाल रखा है कि इसकी सॉइल को मैं परफेक्ट बना सकूं। जैसे इसके फ्लावर्स हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे फ्लावर मेरे प्लांट में आए हैं, कितना बड़े बड़े साइज़ के हैं, देखिए कितना बड़ा है ये और कितना अच्छा दिख रहा है, कितना डेंस है, घना है, पूरे चारों तरफ से कवर कर रखा है। देखिए आपको मैं सामने से दिखाती हूँ, रेड कलर का वैरायटी है, मेरे पास एक और कलर है पर अभी मैं टेरिस पे हूँ अपने, तो यहाँ पे मेरे रेड है, मैं इसलिए मैं इस रेड ही पे वीडियो बना ले रही हूँ आज। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है और इसमें बहुत सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं, अभी मैं आपको बर्ड्स दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होगे तो हर ब्रांच में एक एक बर्ड्स हैं, ये भी सब जल्दी बड़ी होके ये भी फ्लावरिंग करने लगेंगी। और एक बार अगर आपके एक जोरा में फ्लावर आता है तो वो कम से कम एक महीने तक से डेढ़ महीने तक तो रहता ही है। देखिए कि यहाँ पे भी कली है, यहाँ पे भी एक कली है और एक यहाँ भी है, हर ब्रांच में एक एक कली है। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इससे अधिक से अधिक फ्लावर्स लेने हैं। वैसे तो मेरा प्लांट बहुत छोटा है और ये अभी अगस्त है और मुझे लगता है कि ये मेरा अक्टूबर नवंबर तक तो आराम से अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसका फ्लावरिंग सीजन आपको बता दूँ, इसका फ्लावरिंग सीजन होता है हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है फ्लावरिंग सीजन और अक्टूबर नवंबर तक जाता है इसकी फ्लावरिंग सीजन। और मेरे को तो बहुत सारे फ्लावर दे चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूस फ्लावरिंग इसमें हो रही है, आपको मैंने बर्ड्स भी दिखाए, इससे आपको पता चल गया होगा कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे बर्ड्स हैं इधर भी ब्रांचेज में है, मैं आपको दिखा ही दी हूँ। चलिए तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एक जोरा को चाहिए एसिडिक सॉइल, इसको चाहिए इसके सॉइल की पीएच 5, तब जाके अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो हम क्या करें कि इसकी सॉइल एसिडिक हो, तो एसिडिक सॉइल के लिए सबसे जरूरी है जो चीज़ आपको बहुत इजीली घर पे मिल जाएगा वो है चाय की पत्ती। हाँ, चाय की पत्ती, बहुत लोग तो सोच रहे होंगे अरे चाय की पत्ती कैसे एसिडिक करेगा, तो आप जाके उसका देख सकते हैं, वो भी एसिडिक होता है, उसका एक पीएच लगभग 5 के ही पास होता है जो आपके प्लांट की सॉइल को पीएच 5 तक पहुंचाएगा। आपको एक चम्मच चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में डाल के कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है, आपको एक रेड कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा जो आप लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। तो कितनों को तो लगेगा कि ये वेस्ट है भाई, मैं चाय पत्ती को क्यों वेस्ट करूं, तो मैं उसको बता दूं कि आप जो आप चाय बनाते हो घर पे, तो जो छनने के बाद चाय पत्ती बचती है आप उसे भी डाल सकते हो। देखिए ये मेरे चाय छनने के बाद जो चाय पत्ती थी उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और उसको एकदम अच्छे से अगर आप सुखा देंगे तो आपको तो अंतर ही नहीं समझ में आएगा कि ये बनी हुई चाय है या अभी नहीं बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मैं इसको अपने सॉइल में डाला करती हूँ, आपको मैं अभी सॉइल दिखा देती हूँ, अभी आप समझ भी जाएंगे। देखिए मैंने इसमें चाय पत्ती डाल रखा है, ये खुद ही उसमें, अगर आप उसको अच्छे से सुखाते नहीं ना तो उसमें फंगस लगने का डर बना रहता है आपके इस प्लांट में। तो आपको जो भी डालना है अपने पौधे से कम उसे 1 इंच की दूरी पे डालना है फर्टिलाइजर, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे नहीं डालते हैं तो आपके स्टीम खराब कर सकता है, वो एसिडिक है ना, तो आपके स्टीम को वो खराब कर सकता है। अब हम चलते हैं कि और इसको और बाकी की न्यूट्रिशन अपने प्लांट को कैसे पहुँचाएं। तो एसिडिक के लिए एक और मैं बता दूँ कि आप एसिडिक सॉइल के लिए कॉफ़ी के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए कॉफी का ये पाउडर है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो 5 रुपीज की कॉफी की पैकेट आती है ना, आप उस 1 चम्मच उसकी लें कॉफी को, और 1 लीटर पानी में मिला के डाल सकते हैं। अरे अगर अपने पौधे के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया भाई। चलो अब आगे चलते हैं हम, कि अपने प्लांट प्लांट की कभी कभी आपको दिखते होंगे ना पत्तियां पीली हो पड़ जाती होंगी, तो फ्लावरिंग भी कम होने लगती है। इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि आपके प्लांट में आयरन और पोटेशियम की कमी होने लगी है। तो उसको कमी को पूरा करने के लिए आप केले के छिलके को सुखा कर उसके छिलके को आप अगर पानी में डाल देते हैं उसके छिलके को, तो वो आपको देने लगे। देखिए मैंने सुखाया था केले के छिलके, और ये साइड में तो मैंने नींबू के पत्ते रखे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। ये केले के छिलके मैंने सुखा लिया था, आप इसको अच्छे सुखा के डायरेक्ट भी पौधे में अपने डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको पानी में डाल लें, 1 दिन तक छोड़ दें ओवरनाइट 24 घंटे के लिए, और फिर उसको आप अपने पौधे में डालें। इससे आपके पोटेशियम की कमी प्लांट में ठीक हो जाएगी और आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। आपको ये जितने भी मैं चीज़ बता रही हूँ आपको 15 15 डेज पे करते रहना है अपने पौधे में, कि कोई डिजीज प्लांट में ना आए। वैसे तो एक जोरा प्लांट में के पत्तियों में बहुत कम ही फंगस और कीड़े लगते हैं, ये हेल्दी रहता है प्लांट, बस इसमें पीलेपन पत्ती होने की। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि नाइट्रोजन की कमी को हम कैसे पता करें अपने प्लांट्स में। तो आपको अपने प्लांट्स में आप अगर देखेंगे तो आपके प्लांट्स में आपको दिखेगा कि आपके फ्लावर्स थोड़े अजीब से खिल रहे हैं, प्लांट थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, मतलब अजीब सा दिखने का सेंस कि आपके प्लांट्स के पत्तियां थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी मुड़ी हुई और छोटी होने लगती है। तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो आपको उसको करते रहने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए प्लांट में आपको यूज़ करना है अपने किचन का सबसे अजीब सा वेस्ट, जो आप हमेशा फेंक दिया करते हो पर आज से फेंकने से पहले ज़रूर सोचेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, वो है ओनियन पील। देखिए ओनियन पील को आप जो फेंक देते हैं वही आपके नाइट्रोजन प्लांट के में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ओनियन पील को आप ऐसे डायरेक्ट पौधे में डाल सकते हैं, पर आप सोचिए कि आप इसे डायरेक्ट डालते हैं तो कितना अजीब दिखेगा, ये डिकम्पोज भी जल्दी नहीं होता है तो बहुत गंदा सा दिखता है। तो आप इसे भी ओवरनाइट रख सकते हैं अपने घर में, या 5 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, आप कहते होंगे बार बार केवल सोल्यूशन बता देती है कैसा दिखता है दिखाए जरा, तो मैं अभी आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ कि कैसा वो सोल्यूशन ऑप्टेन हो जाएगा। आप कितने भी प्याज के छिलके डाल सकते हैं, वो कोई वो नहीं है कि आप एक मुट्ठी डालें या दो मुट्ठी डालें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 4 प्याज के डालें या 1 प्याज के डालें, कितने भी आप डाल सकते हैं। देखिए सोल्यूशन कैसा, जैसे आपको सोल्यूशन देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस तरह का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा सोल्यूशन जब मिल जाए तो आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इस जितने में आपको चीज़ें बताई, आपको अगर उन सबका 15 15 डेज पे यूज़ करते रहते हैं तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और उसको किसी चीज़ की कमी होगी नहीं। तो आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि ये कमी है प्लांट में, कौन सा अभी दिख रहा है सिम्टम कि मैं उसमें ये क्या डालूं। आप ये सब बस 15 15 दिन में अपने पौधे में डालते रहिए। और एक सबसे कॉमन या सब कुछ रखने वाला आपको खाद के बारे में बता दूँ तो वो काउडंग गोबर की खाद को, आप सड़ी हुई गोबर की खाद को भी डाल सकते हैं। उसकी एक कम से इतनी मोटी मल्चिंग कीजिए चारों तरफ। ये तो स्टोन मैंने ऐसे ही रख दिया है फॉर डेकोरेशन पर्पस, तो आप इसको मतलब हटा के इसमें डाल दिया करती हूँ कम से कम इतनी मोटी लेयर। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट की भी, अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट की भी लेयर डाल सकते हैं, और लेयर डाल सकते हैं। और मैं एक अब सबसे लास्ट में मैं आपको एक जो नींबू के पत्ते रखे थे ना उसको भी बता देती हूँ। वो थोड़ा फिजिकल वर्क कराने वाला था इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, अब बता देती हूँ। कितने लोग को तो फिजिकल वर्क भी पसंद होता है। तो ये जो हमने नींबू के पत्ते मैंने ले रखे थे, आपको इस नींबू के पत्ते को पानी में मतलब बॉयल कर लेना अच्छे से, तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा डार्क मतलब पीले कलर का थोड़ा, तो आप उसको छान के भी ठंडे करके पौधे में डाल सकते हैं, तो आपके पीएच को भी मेंटेन करेगा और एसिडिक सॉइल आपकी मेंटेन रहेगी।
ठीक है। तो अब मैं आपको एक और ऐसे खाद के बारे में बताने वाली हूँ, जो ऐसे कंपोस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो लेजी से लेजी पर्सन भी मार्केट से ला सकता है और अपने प्लांट में डालकर अच्छे सारी फ्लावरिंग कर सकता है और फ्लावर की लाइफ को भी इंक्रीज करता है वो कंपोस्ट। वो कंपोस्ट का नाम है फ्लावर लाइफ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्लावर लाइफ है वो। और ये सारे फ्लावर्स में आप डाल सकते हैं। ये 500 ग्राम का पैकेट है, और 500 ग्राम का पैकेट आप किसी भी शॉप से इसे ला सकते हैं, नर्सरी से इसको ला सकते हैं, ये कहीं भी इजिली अवेलेबल होता है। ये केवल 80 रुपीज का है, हमारे यहाँ बलिया में तो बहुत इजिली अवेलेबल हो जाता है, किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा। और ये फ्लावर की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। मैं इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसको बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। और इसके अंदर आपको एस की तरह दिखेगा, देखिए राख की तरह। और इसमें सारे जितने भी मैंने आपको बताई पौधे में जो कमियां होती हैं वो सब इसमें अवेलेबल हैं। और ये आपके प्लांट में बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, इससे डालने पर आप बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप डालते हैं तो फ्लावर बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है और फ्लावर की जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और फ्लावर जल्दी गिरते नहीं हैं और महीनों तक एक जोड़ा रहते हैं। और भी फ्लावर जिसका जैसा लाइफ है उससे थोड़ी सी लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, तो अब लास्ट में बता दूं कि एक जोड़ा कटिंग से आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो आपको कभी बना दूंगी कि आप कटिंग से कैसे इसको ग्रो करें। और इसकी कटिंग आप छोटी सी भी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत जल्दी सी ग्रो हो जाती है और बहुत आसान होता है उसे ग्रो करना, कोई हार्ड नहीं होता है ग्रो करना है उसे। अब तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर दूसरे नए वीडियो में नए फ्लावर के साथ मिलते हैं। बाय बाय।